किस किस के जीवन में कम से कम नहीं मिनिमम दिन में एक बात आई जाती है जिससे आनंद से हम शिफ्ट हो जाते हैं, ऑन एन एवरेज वन इन अ डे प्रॉब्लम है किसी के पास? वन इन अ डे, एनी वन मोर देन वन इन अ डे? ओ अच्छा, आई थॉट इट वॉज द अदर वे अराउंड के वन इन द डे नहीं है. अच्छा, मोर देन वन इन अ डे? इतनी प्रॉब्लम्स थोड़ी होती हैं हर रोज. मोर देन वन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं, प्रॉब्लम. वी हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. बातें जो जीवन में आती हैं, बातों का साइज क्या होता है? एक ही बात में एक जना कहेगा इतनी बड़ी बात थी, सामने वाला कहेगा ठीक ठीक बात थी, तीसरा कहेगा छोटी सी बात थी, चौथा कहेगा कोई बात ही नहीं थी, पहला वाला कहेगा कोई बात नहीं थी, इतनी इतनी बड़ी बात थी. अब बात का साइज कितना है फिर? बात तो सेम ही है, एक को लगता है इतनी बड़ी बात, एक को लगता है छोटी सी बात, एक को लगता है कोई बात ही नहीं. तो बात का साइज कितना? ये टेबल है, अब हम चार लोग आएंगे इस टेबल को उठाने के लिए. एक कहेगा बहुत भारी, एक कहेगा ओके, एक कहेगा लाइट, एक कहेगा कोई वेट ही नहीं है. टेबल का साइज वेट कितना दिख रहा? टेबल का वेट कितना? डिपेंड्स ऑन वो ही टेबल, वो ही सिचुएशन, वो ही बात. एक के लिए भारी, एक के लिए हल्की. टेबल का वेट कितना, भारी या हल्की? टेबल का वेट कितना? ये टेबल भारी है या हल्की है बताइए, ये टेबल भारी है या हल्की है? वेरी गुड आंसर. उठा के देखेंगे तब तो पता चलेगा. एंड विच मीन्स टेबल का वेट नहीं है डिपेंडेंट, इट डिपेंड्स ऑन उठाने वाले की स्ट्रेंथ, उठाने वाले की स्ट्रेंथ. तो एक चीज आज से चेंज करते हैं, बात का कोई साइज नहीं है. तो कभी भी ये नहीं कहना बात बहुत बड़ी है. अगर बात को बड़ा कहा, व्हाट आर वी ट्राइंग टू से? दैट आई एम वीक. एंड द मिनट आई से टू माई सेल्फ आई एम वीक, माई पोटेंशियल टू फेस दैट सिचुएशन विल कम डाउन. अब वो ही टेबल एंड ओनली वो ही मैं, अब चार लोग भी नहीं, अलग अलग, एक सिचुएशन एक मैं. मुझे इस टेबल को उठाना है. आज जब मैं इस टेबल को उठाती हूं तो ये मेरे लिए ओके है, दो हाथ से उठाई जा सकती है. 10 दिन ठीक से खाया नहीं, रेस्ट नहीं किया, ये मेरे लिए टेबल भारी हो जाएगी. वो ही मैं, वो ही टेबल. फिर उसके बाद 10-15 दिन अपना बहुत अच्छा ध्यान रखा, ये टेबल मेरे से फिर से उठाई जाएगी. उसके बाद और अच्छा एक्सरसाइज कब किया, वो टेबल मेरे से एक हाथ से उठाई जाएगी. और उसके बाद और अच्छी मेहनत की, वो टेबल मेरे से एक उंगली से उठाई जाएगी. वो ही मैं, वो ही टेबल. सो लेट्स शिफ्ट द फोकस फ्रॉम द टेबल एंड कम टू अस. अगर हम कहते हैं टेबल बहुत भारी है, तो हमने अपने आप को कहा ये टेबल तो बहुत भारी है, तुम नहीं उठा सकते. आज अगर हम जीवन की सिचुएशंस देखें, सिचुएशंस वही हैं जो पहले भी होती थी. हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कोई नया नहीं आया, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कोई नया नहीं है. आपके ग्रैंड पेरेंट्स के 6-7 बच्चे हुए करते थे, वो कब पैदा होते थे कब बड़े होते थे पता ही नहीं चलता. आज एक बच्चा है सिर्फ. और फिर सब वो करने के बाद भी कहते हैं
बच्चों को संभालना बहुत स्ट्रेस है, फिर पेरेंटिंग की वर्कशॉप करने जाते हैं बच्चों को कैसे संभालें, फिर अमेरिका से किताब मंगवाते हैं मैं अपने बच्चे को कैसे संभालूं पढ़वा। वही रिलेशनशिप, वही पेरेंट, वही चाइल्ड, व्हाई इज इट डिफिकल्ट, व्हाई इज इट डिफिकल्ट? समथिंग विच वॉज नेचुरल, सिंपल, आज डिफिकल्ट क्यों? रिलेशनशिप वही है, लेकिन उस रिलेशनशिप को निभाने वाली आत्मा क्या होती जा रही है? कमजोर, उसको वही चीज मुश्किल लग रही है। फिर हम कहते हैं वो रिश्ता मुश्किल, वो रिश्ता मुश्किल नहीं, आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, तो मुझे वो रिश्ता मुश्किल लग रहा है। सो आज एक चीज, कोई भी बात को सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट एनर्जी दैट आई हैव टू गिव टू दैट थिंग इज छोटी सी बात है, सिर्फ एक थॉट है, लेकिन जैसे ही कहा छोटी सी बात है, व्हाट इज द फीलिंग दैट विल गेट जेनरेटेड, व्हाट इज द फीलिंग दैट विल गेट जेनरेटेड, दैट आई कैन विन ओवर दिस एंड क्रॉस इट। लेकिन अगर हमने कहा बहुत बड़ी बात है, फिर हमारे आसपास चार लोग आए, उन्होंने कहा सच्ची में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई आपकी लाइफ में, हाँ, हमने कहा हाँ आई ना, देखो ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तो हमारे ऊपर हो जाएगी। फिर पूरे घर में एक जना चाहिए सिर्फ जो ये कहे छोटी सी बात है, कोई बात ही नहीं है, ये तो हम क्रॉस कर लेंगे, द एनर्जी ऑफ द हाउस विल चेंज। फर्स्ट होमवर्क, सिंपल होमवर्क, आपके जीवन में जो आपने अभी लिस्ट बनाई थी, उस सारी लिस्ट को क्या करो, ये कैसी वाली बात है, ये कैसी वाली बात है? द मैसेज दैट आई एम गिविंग टू माई सेल्फ इज आई एम पावरफुल इनफ टू फेस दिस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमात्मा कहते हैं कोई भी सिचुएशन आए आपके जीवन में, एंड कोई भी मतलब कोई भी, सिर्फ एक थॉट क्रिएट करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान भगवान है, मैं उसका बच्चा हूं, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। ये थॉट क्रिएट करते ही क्या हो जाएगा, ये थॉट क्रिएट करते ही क्या हो जाएगा? हनुमान जी को क्या हुआ, उनको भूल गया कि उनकी शक्तियां क्या है, शक्ति उनके पास है लेकिन भूल गया। जब हम रामायण सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, हम कहते हैं राइट, हनुमान जी को ना भूल गया था उनकी शक्तियां कौन सी है, और हम पूरी कथा सुनते हैं और हम कहते हैं राइट, हनुमान जी को ना याद आ गया उनकी शक्तियां कौन सी है। किताब बंद, कथा बंद, बैक टू वर्क। वो सुनते हुए उसको किसके साथ कनेक्ट करना था, किसके साथ कनेक्ट करना था, कि इट इज माई स्टोरी, दिस इज माई स्टोरी, मैं आत्मा भूल गई हूं कि मेरी शक्तियां क्या हैं। तो जब मेरी शक्तियां हैं लेकिन मैं भूल जाऊं कि मेरी शक्तियां क्या हैं, तो वो चीज मुझे पहाड़ लगती है, और पहाड़ वहीं का वहीं रहेगा, मुझे याद आ जाएगा कि मेरी शक्तियां कहां हैं, तो मैंने पहाड़ को ऐसे उठा लिया। तो जब भी कुछ सुने पढ़े, इट इज नॉट अबाउट हनुमान जी, इट इज अबाउट मी, इट इज अबाउट मी। तो हमारी बातों का साइज कितना है, हमारी बातों का साइज कितना है, बनाओ कितना साइज है, कितना साइज है? बात जीवन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को आगे किस डायरेक्शन में लेके जाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट? सपोज प्रॉब्लम का साइज मेरी लाइफ में जो है, सपोज 50% है, चाहे वो कोई शरीर की बीमारी है, चाहे वो कोई रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो करियर में कुछ ऊपर नीचे है, प्रॉब्लम है, उसको एक परसेंटेज देते हैं अभी, 50% साइज है उसका, ओके, विजुअलाइज करें इतनी प्रॉब्लम है। अब मैं इस प्रॉब्लम को एनर्जी देती हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरा ये रिश्ता ठीक नहीं है,
प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब ये 50% को अगर मैंने ऐसी वाली एनर्जी दी, एंड एनर्जी कितना देते हैं हम, सारा दिन सोचते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में, फिर मेरे आसपास के सब लोग उस प्रॉब्लम को एनर्जी देते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बीमार है, ये रिश्ता खराब है, ये बिजनेस चल नहीं रहा है, हम सब उसको इतनी प्यारी प्यारी आशीर्वाद देते हैं। तो जो इतनी है वो क्या हो जाएगी, वो 50 से 60 हो जाएगी। जैसे ही वो 60 हो जाती है हम कहते हैं ओहो प्रॉब्लम तो बढ़ गई, सब लोग कहते प्रॉब्लम बढ़ गई, नया आशीर्वाद मिलता है, तुम तो और बढ़ गई। 60 से क्या हो जाएगी, 70। अपनी थॉट से अपनी प्रॉब्लम को हम बढ़ाते जाते हैं और फिर हम दूर दूर यात्रा करके संत महात्माओं के पास जाते हैं और हम कहते हैं गुरुजी आशीर्वाद दो, विच इज वेरी गुड, इट इज वेरी प्योर एनर्जी। लेकिन जब हम किसी के पास जाएंगे वो हमें आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे मतलब क्या देंगे, हमें क्या देंगे, आप उनके पास जाएंगे आप कहेंगे गुरुजी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी, वो आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे मतलब क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो उस प्रॉब्लम के प्रति और हमारे प्रति एक बहुत 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 प्योर पावरफुल एलिवेटेड थॉट क्रिएट करेंगे। वो सिर्फ इतना ही कहेंगे सब ठीक हो जाएगा, हो गया। तो हमारी प्रॉब्लम इतनी थी, हम उसको बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी दे रहे थे, फिर हम एक विशेष आत्मा के पास गए, उसने हमें एक बहुत पावरफुल एनर्जी दी, वी फेल्ट बेटर, वी केम बैक। अब हम जो कहते हैं उसके बाद, हम कहते हैं गुरुजी ने आशीर्वाद दिया ना तो प्रॉब्लम ठीक हो गई। अब जैसे ही नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी अब अगर हमने कहा कि रोज ही एक आ जाती है, उनमें और हमारे में फर्क क्या है, उनमें और हमारे में फर्क क्या है, क्या फर्क है, वो उसी चीज के प्रति एक प्योर पावरफुल थॉट क्रिएट कर रहे हैं, हम उसी चीज के प्रति एक नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं। कभी कभी उनका दिया हुआ आशीर्वाद काम कर जाता है, कभी कभी दिया हुआ आशीर्वाद काम नहीं करता, होता है ऐसा, कभी कभी होता है, फिर हम कहते हैं कोई और गुरुजी ढूंढो, तो काम नहीं हुआ, क्यों नहीं काम किया, किसी ने एक बहुत प्योर पावरफुल थॉट दी लेकिन मैंने 10,000 नेगेटिव थॉट दी, तो वो प्योर पावरफुल थॉट क्या हो जाएगी, कैंसल। इट इज ओनली एनर्जी नो विच इज वर्किंग, इट्स एनर्जी विच इज वर्किंग। अब अगर संत महात्माएं आशीर्वाद दे सकते हैं, क्या हम भी आशीर्वाद दे सकते हैं, क्या हम भी आशीर्वाद दे सकते हैं, यस यस यस। अब हम कई बार कैसे आशीर्वाद देते हैं, आपका बच्चा सुबह एग्जाम के लिए जा रहा है तो वो आपके पास आता है, कहते पापा आज मेरा एग्जाम है, तो पापा कहते ऑल द बेस्ट डू वेल, अंदर से सोचते पता नहीं क्या होने, आशीर्वाद दी, आशीर्वाद दी, क्या दे दिया, क्या दिया, अपने आप से पूछो किस किस ने अपने जीवन काल में अपने बच्चों को आशीर्वाद का ऑपोजिट दिया है। मेनी टाइम्स इन अ डे वी आर गिविंग ऑपोजिट ऑफ ब्लेसिंग, पता नहीं इसका क्या होगा, वो संत महात्माएं कभी नहीं कहते पता नहीं क्या होगा, वो क्या कहते हैं, वो क्या, और वो सिर्फ यहां से नहीं कह रहे, वो यहां से नहीं कह रहे, वो यहां से कह रहे हैं फर्मली बिलीव फेथ कन्विक्शन कनेक्ट टू गॉड रेडिएट। जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने आशीर्वाद नहीं दी तो हम गलती से आशीर्वाद का ऑपोजिट दे देंगे। सारा दिन थॉट्स तो चल ही रही हैं,
या तो वो थॉट प्योर एंड पावरफुल होगी, या वो थॉट ऑर्डिनरी होगी, या वो थॉट नेगेटिव होगी। सारा दिन में कितनी बार चेक करेंगे, अगर आज होमवर्क, कि कितनी बार हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद का ऑपोजिट दे देते हैं। आजकल हम कहते हैं आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। कल मेरे को एक बहन मिली, आई एम वेरी डिप्रेस्ड। आई सर आपको डिप्रेशन है? नहीं है नहीं, बट आई एम वेरी डिप्रेस्ड। आई सर दो आशीर्वाद तो, दिस इज आशीर्वाद। व्हाट आर वी सेइंग टू आवर सेल्फ? आई एम वेरी डिप्रेस्ड। तथास्तु हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट से जब हम महात्माओं के पास जाते हैं ना, हम दुखी होते हैं, लेकिन वो जो एनर्जी देते हैं वो हमें देखकर नहीं देते कि ये बहुत दुखी है। वो कहते हैं आप सदा सुखी। तो उन्होंने जो वाइब्रेशन दी, इट इज नॉट द ट्रूथ फॉर अस राइट नाउ। हम दुखी गए थे, फेलियर गए थे, अनसक्सेसफुल गए थे, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद क्या की, सदा सुखी रहो, सदा सफलता। हम कह रहे हैं हमारा कुछ नहीं चल रहा, वो कहते नहीं सदा सफलता। तो उनकी जो ब्लेसिंग है वो रियलिटी को देखकर नहीं बन रही है, जो रियलिटी हम बनाना चाहते हैं वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। डिफरेंस दिख रहा है? जैसे ये ग्लास आधा है, ओके, तो ये मेरी जीवन की प्रॉब्लम है, इसको लेकर मैं किसी के पास गई और मैंने कहा आशीर्वाद दो मुझे, तो उन्होंने आशीर्वाद देना है ये ग्लास भरा हुआ है। अभी ये भरा हुआ तो नहीं है, ये भरा हुआ नहीं है, लेकिन वो आशीर्वाद क्या दे रहे हैं, ये ग्लास भरा हुआ है। वो एनर्जी जब इसको मिलेगी तो ये ग्लास क्या होने लग जाएगा, क्या होने लग जाएगा, भरने लग जाएगा। हम सारा दिन में एनर्जी इस ग्लास को क्या देते हैं, खाली है खाली है खाली है। तो ये ग्लास आज आधा भरा है, कल क्या हो जाएगा, कल ये कम हो जाएगा। ऑल डिपेंड्स ऑन वेयर आई वॉन्ट टू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। प्लीज सी दिस इज योर पावर। इधर से इसको आगे कहां लेकर जाना है, भरे हुए की तरफ या खाली की तरफ, वो चॉइस हमारी है। हम क्या करते हैं, जो रियलिटी है उसको देखते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं। वो क्या करते हैं, जो अभी रियलिटी नहीं है वो सोचते हैं और देते हैं, उसको आशीर्वाद कहते हैं। अगर हमें खुश रहना है तो हमें हर क्षण खुद को और औरों को आशीर्वाद देने होंगे। रेडी देने के लिए। और फिर चलते चलते ऑपोजिट नहीं देना है कि मैंने, सपोज मुझे ये दिख गया, आज मुझे ये समझ में आ गया, तो मैं यहां से बाहर चली, ये मेरी प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा ग्लास भरा हुआ है, ग्लास भरा हुआ है, ग्लास भरा हुआ है, फिर गलती से बीच में कहां भरा हुआ है, ठीक है, नहीं उधर उन्होंने बोला था भरा हुआ है। फिर सामने से कोई आएगा, तुमको ये भरा हुआ दिखाई देता है, मैंने हाँ सच्ची में, लेकिन उन्होंने बोला था भरा हुआ है करके, फिर वो काम नहीं करेगा। फिर हम थोड़े दिन के बाद बोलेंगे काम नहीं किया, वो काम कब करेगा, जब सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद होगी और बीच में एक भी नेगेटिव थॉट ऑफ फियर, वरी, एंग्जाइटी। जब हम ये करना शुरू करेंगे, सामने जो रियलिटी है उसको हम चेंज कर सकते हैं। एक इक्वेशन आज पक्की करना, बहुत ध्यान से सुनना, आपको उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। जो बाहर है, अपनी सब जीवन की बातों को देखें, जो बाहर है उसके बारे में अगर यहां सोचेंगे, मतलब ये रियलिटी है उसके बारे में अगर यहां सोचा,
तो मेरी थिंकिंग नेगेटिव होती जाएगी और जो रियलिटी है वो और मैग्नीफाई हो जाएगी। जो सच्चाई अभी है उसके बारे में नहीं सोचो, ऐसा सोचो जो कल रियलिटी बन जाए। डिफरेंस दिख रहा है? आई रिपीट, जो रियलिटी है उसको नहीं सोचो, आप वो सोचो जो आप चाहते हैं कि रियलिटी बन जाए। ये फ्लावर्स हैं, फ्रेश भी हैं, थोड़े से मुरझाए भी हुए हैं। दिस इज द रियलिटी अभी इसकी। अगर मैंने इसको देखकर इसके बारे में सोचा तो मैंने कहा मुरझाए हुए हैं, थोड़े ठीक हैं, थोड़े फ्रेश हैं, मुरझा रहे हैं, कल तक क्या। आई एम थिंकिंग व्हाट इज रियलिटी। जब मैं ऐसा सोचती हूं, आई एम थिंकिंग व्हाट इज रियलिटी, वो थॉट्स वो फ्लावर्स को जाएंगी और ये बहुत जल्दी और मुरझाने लगेंगे। अब ऑपोजिट, व्हाट डू आई वांट, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, से द लाइन, मुझे क्या चाहिए, फ्रेश। ओके, नाउ ओनली क्रिएट वन थॉट, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल फ्रेश, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल फ्रेश। जो रियलिटी है वो नहीं सोच रहे, जो रियलिटी बनाना चाहते हैं वो सोच रहे हैं। आप बताइए साइंटिफिकली, अगर मैं इसको 10 दिन ये वाइब्रेशन देना शुरू कर दूं कॉन्स्टेंटली, ये फ्लावर्स ब्यूटिफुल फ्रेश, फ्लावर्स ब्यूटिफुल फ्रेश, ये फ्लावर्स बेटर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, दैट इज आवर पावर। ये प्रॉब्लम है अभी, लेकिन इस प्रॉब्लम को बढ़ाना है यहां घटाना है, वो पावर किसके पास है, वो पावर किसके पास है। यूज आवर पावर, वी हैव टू स्टार्ट यूजिंग आवर पावर। जब हम सेंटर पर पहली बार आते हैं मेडिटेशन सीखने के लिए, तो परमात्मा का जो फर्स्ट महावाक्य हम सुनते हैं, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, यू आर अ पीसफुल सोल। वी कम विद आर एंगर, विद आर अग्रेशन, विद एवरीथिंग। ही डजंट से तुम शांत बनने वाले हो, ही डजंट से तुम शांत बन जाओगे, ही सेज तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। जो रियलिटी नहीं है, ही सेज वो है, एंड बिकॉज ही सेज वो है, वो धीरे धीरे रियलिटी बननी शुरू हो जाती है। दिस इज प्योर साइंस, प्योर साइंस।